डे टू एट भद्रवा एक्सरसाइज निकैत के चाचा जी चिमनी कुंड जहाँ पे भास्कर जी रहते हैं ग्लेशियर ही है कैलाश कुंड है ठीक है जो मनीमेश ये साइड है वो साइड लेपर्ड तो नहीं होगा ना राधे राधे ये यहाँ पे नारियल तेल जम गया है नाम से तू बन रहा था ना मदद कर देता हूँ इनकी जी को बुलाया उन्होंने हनुमान अभी लाके दे जी सर नहीं इससे अच्छा जान दे दादा यहीं से खेल के रणजी का प्लेयर बना हुआ है नेटवर्क नहीं आता है चुपचाप घर आ जाना तो रंग राज जी भद्रवा एक मित्र से मिल रहे हैं भद्रवा शुरू होगी शांसी शांसी हैप्पी बर्थडे का केक खरीद मौसम में मंगाया स्लाइड ये देखो डंग कैसे थ्री ये कौन सी बोल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जय श्री राम आज डे टू एट भद्रवा सो बेड टी हमें मिल गई है यहाँ पे आज हम निकैत के घर में हैं मेरी वो लगाइए वहाँ से आधा किलो आधा घंटे का रास्ता पहाड़ी चढ़ चढ़ के आ जाए हैं जाते जाते वो सारा रास्ता आपको दिखाऊंगा क्योंकि रात को दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरा कैमरा गोप्रो सब ये अच्छे से नहीं चल रहे थे पर अभी जब मैं सब दिखाऊंगा सूर्य प्रकट होते हुए पहाड़ों पे वरुण जी उठ गए हैं एक्सरसाइज इन्होंने कर ली है शर्मा जी बोल कल मेरा कैमरा ने इनको रिकॉर्ड नहीं किया वरना ये बेटा कावा कावा पी के और टाइम लैप्स बना के अभी हम आपको आराम से सारा व्यू दिखाएंगे नज़ारा दिखाएंगे सूरज भगवान प्रकट हुए कितने अच्छे सुंदर लग रहे थे अभी हम नीचे जा रहे हैं टाइम लैप्स देख लिए के बाद अभी मैं आपको इसका 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ कैसे हो ये हैं निकैत के चाचा जी जय श्री राम जय श्री राम हैप्पी बर्थडे मिनी शुक्रिया शुक्रिया ये है चिमनी देखो नीचे खाना बन रहा है यहाँ से सारा ये है देसी चिमनी जो आजकल नई आ गई है शहर में अब आ रहा सूरज उगा है ना वो दोनों कहाँ गए चले जंगल में चक्कर लगाने चलते हैं तीन पहाड़ियाँ वासु जी नाग जी का मतलब कुंड जहाँ पे वासुकी नाग जी रहते हैं वहाँ पे ऊपर झील है वासुकी नाग जी की ठीक है तो ये सामने दिख रहा हमको मतलब ये जो तीन वो है ना मतलब पीक्स है ना तीन पीक्स एक दो तीन है ना जो लेफ्ट हैंड साइड वाली दो है वहाँ पे जो कहाँ से बीच में सी शेप गैप आ रहा है ना और पीछे एक वाइट वाइट सा दिख रहा है थोड़ा वो ग्लेशियर ही है ठीक है वही उस ग्लेशियर के नीचे ही कैलाश कुंड है ठीक है जो इस साइड वाला है ठीक है उसके बाद जो इस साइड वाले राइट के दो है ना इसके ऊपर भी एक झील है वो किसकी नाग झील है कली नाग की जिसको वृंदावन कहाँ से कृष्ण कालिया नाग वो उधर है वो यहाँ कैसे आ गए कालिया नाग की झील है उधर ऊपर अच्छा वैसे जब उनको बोला था कि चल भाई भाग यहाँ से आज का तो जमुना नदी नहीं रुकेगा हाँ और वहाँ पे उस झील का पानी अभी भी काला है और उसमें सांप चलते रहते हैं चलें झील में वहाँ नहीं जाते हैं क्यों अब अपनी अपनी वो है मतलब बहुत भयंकर झील है तो अब देखो अब जो इसके सामने एक देखो सीधी सी जगह है ऊपर है ना ऐसे दो स्ट्रिप्स जा रही है ऊपर फिर ऊपर सीधी जगह है ना जो इस साइड वाली स्ट्रिप है ना ये पूरी ऐसे प्लेन है नीचे तक पूरी ऐसे मतलब नीचे आके ये जो पहाड़ है ना इधर से बन बन हुआ पूरा मतलब आप मान के चलो कोई 20-25 फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर उससे बन यही सियोज वैली मतलब वैली बोलो मीडो बोलो यहीं से तभी निकलती है उधर की तभी यहीं से निकल ये साइड जाओगे आप कठुआ पठानकोट ये साइड जाओगे चंबा हिमाचल पड़ेगा आपको मनीमेश जो कि जाते मनीमेश इधर है मनीमेश ये साइड है वो साइड कठुआ पठानकोट लखनपुरा मैं आपको दिखाता हूँ रात को कहाँ हम सोए ये है जो हम रात को यहाँ पर सोए हुए थे वो वहाँ से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ वरुण और वो नीचे गए हुए हैं मैं भी उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ हैं लेपर्ड तो नहीं होगा ना दिन में तो नहीं होते ना जो वृंदावन ये देखो रास्ता ये रास्ता मुझे ना मेरे नानी घर की याद दिलवा देता है तुम्हें याद है हम नानी घर ऐसे जाया करते थे मेरे गांव में ऐसे वाला नहीं था क्योंकि नानी का घर भी थोड़ा पहाड़ में है जहाँ
गाय हमारी माता है, हमको बहुत कुछ आता है। जय माता दी, राधे राधे। वरुण है क्या? ये सूखा पो मतलब ये चावल दा, चावल से जो बचा हुआ। अच्छा, ये मतलब ये सर्दियों में जब घास नहीं होता ना तो ये गाय के लिए चारा रखा होता है सर्दियों में इमरजेंसी, क्योंकि सर्दियों में से यहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगी तो फिर गाय को कुछ तो खिलाना ना, हम इंसान खुद बना के खिलाएंगे, पर उनके लिए भी ये रखा गया है। ये यहाँ पे हम रुके हुए हैं, निकैत का घर, यहाँ से नज़ारा देखिए। कल में थोड़ी देर टहलने के बाद, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब चल पड़े हैं वापस ब्रश कर देना हाथ। मैं साथ ना नारियल तेल लेके घूमता हूँ, पर यहाँ ठंड है जिस वजह से ये देखिए नारियल तेल जम गया है। मैंने सोचा था मालिश कर लेते हैं, मसाज कर लेते हैं, पर नहीं, दूसरा तेल लगाना पड़ेगा। अभी अभी नहाने के बाद, ब्रश ब्रश वगैरह करने के बाद, तैयार होने के बाद अभी हम जाएंगे कुल देवता के स्थान, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, तो आज हम जाएंगे वहाँ पे दर्शन करने। हलवा तैयार हो गया, हलवा पूरी तैयार है, अब हम जाएंगे वहाँ पे आराम से दर्शन करने। कहते हैं एक जब राम सेतु बन रहा था ना, तो राम सेतु बनाते हुए सब लोग वहां पे लिख रहे थे राम और पत्थर छोड़े जा रहे थे। तो ऐसे ही राम भगवान जी ने सोचा कि सारे लोग ऐसे ही मदद कर ही रहे हैं, बानर लगे हैं, सुग्रीव लगे हैं, हनुमान लगे हैं, छोटे छोटे कहते हैं उस टाइम ना इवन चूहे तक लगे हुए थे कि उसकी हम भी आ रहे पुण्य कमा लेते हैं। तो राम जी ने सोचा कि आज मैं भी मदद कर देता हूँ इनकी। तो राम भगवान ने क्या लिया, एक पत्थर लिया जो पहाड़ टूट के आया हुआ था, पत्थर लिया, पत्थर पे ऐसे लिखा राम और उन्होंने ऐसे छोड़ दिया नीचे जल में, छोड़ दिया। जैसे जल में छोड़ा ना, वो ना डूब गया। और बताओ क्यों डूबा वो? इसके पीछे कोई रहस्य होगा। फिर उन्होंने ऐसे हनुमान जी को बुलाया, उन्होंने हनुमान जी से पूछा, यार हनुमान, यार तुम सब रख रहे हो और मैंने जो पत्थर रखा वो डूब गया, ये क्या बात हुई? उन्होंने बोला आप कितने नादान बन रहे हो। उसने बोला, उन्होंने बोला क्या बात हुई? उन्होंने बोला जिसका साथ आप छोड़ देते हो, जिसको आपने ऐसे छोड़ ही दिया, वो कैसे तर सकता, वो तो डूबेगा डूबेगा। तो इसलिए जिस पत्थर को आपने ऐसे छोड़ ही दिया कि भाई ले, वो तो तैर ही नहीं सकता, वो डूबेगा डूबेगा। मैं सही कहता हूँ, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा जन्मदिन निकल सकता था, हो सकता था, पर ये जन्मदिन काफी ज्यादा अच्छा रहा है। आपका क्या ख्याल है वरुण जी? आज बिकु भैया, बिकु भैया का जन्मदिन है, हम इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं कि अगले साल तक ये हमें नई भाभी ला के दे। नहीं मतलब नई होगी यार, की कह रहे हो? भाभी बोल दो ना, नहीं तो अगर मैं पिछली भी होती तो मेरे जन्मदिन पे आओ भी ऐसे गाली निकालो दो तीन इस 25 से। फोन के लड़के को पहुंचाने के ये काम था। हां मिट्टी का है तो
मैंने बोला था भगवान की दरवाजे छोटे होते हैं। अब हम इनको हल बार पीट करेंगे। वो काली बीर के साथ भी होती है। हमारे बाबा के दरबार में आए हुए बड़ा जय हो भोलेनाथ। इससे अच्छा जान देने नहीं पा सकता था। मैं कहता हूँ अच्छा किया मैंने यहाँ आया। बहुत कोई संबंध है हमारे बस ये सोचो। रात को उधर नहीं रात को इधर ही आना घूम फिर के बेड़ू काटने वाले हथियार दिखे अंदर। भीम के भी प्यार है ना कहते हैं। भीम ने जो कुछ ऐसे किया हुआ है वो जयवली में कहाँ पे? नहीं नहीं उधर गुप्त गंगा में। अच्छा गुप्त हाँ गुप्त गंगा में कह रहे थे वो सब जी। उनके साथ बैठ कर बात होती थी और मतलब जो कुछ भी जैसे हम मतलब उस वक्त देवता के दर्शन करके बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे अच्छा बर्थडे नहीं जा सकता था। वैसे मैंने लास्ट टाइम अपने बर्थडे पे चंडी माता के दर्शन किए थे और वहाँ का फुल ब्लॉग बनाया था। आज मुझे खुशी है कि मैं आज इस बर्थडे पे आज यहाँ हूँ भद्रवा से शहर से मीलों दूर काफ़ी दूर। ब्रेकफास्ट करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे जय वैली के लिए। थैंक यू निकेत एंड फैमिली। अच्छा तो लग रहा हूँ है ना अच्छा लग रहा हूँ। मैं टीका लगा के आया पहले दादाजी ने टीका लगाना है मुझको सिंदूर का टीका लगाएंगे। सिंदूर का बर्थडे आज तो आज सुंदर सा एक टीका लगा के जाएंगे यहाँ से। घर से हम निकल गए हैं जय वैली के लिए। मैं बताऊंगा कि मैं किस रास्ते से आया हूँ। अभी वो नज़ारा वो रास्ता दिखाता हूँ आपको। रात को अंधेरा था अंधेरे में आए थे हम टॉर्च फ्लैशलाइट ऑन कर करके पर अभी दिखाता हूँ ये रास्ता है। ये ब्रिज क्रॉस करके आ जाओ आप ये बोले बाबा इस रास्ते को कवर करने में हमें लगे थे कोई 30 मिनट तक। जय वाली में नेटवर्क नहीं आएगा। रात को हमने वापस यहीं आना है इसी रास्ते में। और एक ही देव मास्टरों को चंगा रगड़ा हुआ है ना। खाने खाने 10 बजे बैठ ये निकेत यहाँ पे क्रिकेट खेलता था यहीं से खेल के रणजी का प्लेयर बना हुआ है। ये जो ग्राउंड देख रहे हैं आप नीचे यार क्रिकेट खेला जाता था। ये जहाँ पे रह रहे हैं उनका एक प्ले ग्राउंड था ये क्रिकेट का। We have reached Jai Ghati, Jai Bal. मेरा ओ कुछ
ਚੈਨ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠ जय वैली, ये तो आप देख सकते हैं पीछे हम जय वैली पहुंच गए हैं। पीछे उससे पहले आती है एक चिंता वैली। चिंता वैली से कोई 8 किलोमीटर दूर है जय वैली, जहां पे हम अभी रुके हुए हैं। यहां देखते हैं, यहां मुझे यहां तक अपडेट मिला था, नेटवर्क नहीं आता है कोई भी। दादाजी से वादा किया था कि हम रात को आ जाएंगे घर पर, इसलिए शायद हमें घर जाना पड़े। पर क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इस टाइम पे सीज़न ऑफ होने वाला है ना, तो ठंड में यार कंबल कुंबल स्लीपिंग बैग लेके हम सो जाते हैं। पानी तो साफ है, ऐसा नहीं है। टीवी में सुंदर सुंदर नज़ारे आपको भी दिखाते हैं हम। यहाँ पानी इतना ठंडा नहीं है जितना हमने उस टाइम सुबह नहाते हुए ठंडा फील किया था। थोड़ा ना हम नीचे बॉटम में आ गए। पहले हमने प्लान किया था एक्चुअली रात को यहाँ रुक जाएंगे, टेंट वगैरह हम ले आए थे, पर दादाजी ने इतने प्यार से कहा कि नहीं, रात को वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाएगी और यहाँ पर थोड़ा लोनलीनेस हो जाता है, थोड़ा सेफ नहीं है। सो इट बेटर कि आप चुपचाप घर आ जाना। तो दादाजी को हम ना नहीं कर पाए, दादाजी से वो अलग तरह की अटैचमेंट हो गया। उस हिसाब से दादाजी ने आज प्रेम से प्यार से मेरे लिए हलवा बनाया और हमें अपने कुल देवता की तरफ लेके गया बर्थ डे। और फिर हमने मुझे तिलक लगाया, परना भी बांधा था बड़े प्यार से, वो गुणा फिर अच्छा लग रहा है। तो इसलिए अब मुझे अगर बंदे ने बोलना होगा मैं चुप भी देखा है। राजा जी रंग लगाएंगे, रंग राज जी। मेरा बंदा देखना होगा क्या देता, मेरा बंदा साला आधा निकाल तू बहन चोद निकाल, एक सिंगल पीस निकाल देना। मतलब सीरीज के पास खत्म हो गई यार, मतलब मेरे पास जक्का इसके पास है। तो बहुत सारा ताश खेलने के बाद अब हम चल पड़े हैं नीचे, कुछ खाएंगे पिएंगे, चाय शाय पिएंगे और फिर निकल जाएंगे घर को दादाजी के पास। फिर पहले कोशिश करेंगे भद्रवा भी जाएं हम चक्कर चक्कर लगाने। Now it's time to say goodbye to Jay Valley. जल्दी वीडियो काट दूंगा सो दैट ये गाने का कॉपीराइट ना बजे। अभी मैं भद्रवा आया था और भद्रवा एक मित्र से मिल रहे हैं हम यहाँ पे। ये हमारे साथ लेह लद्दाख गए थे, अभी हम इनसे मिलेंगे। काम के तो किसी के नहीं है पर फिर भी मिलना पड़ेगा। ठीक हो? लद्दाख गए थे, मिंडिकेट डिम्पल आकाश और हम चार जने गए थे लद्दाख। तो इससे हम मिल रहे हैं भद्रवा, क्योंकि ये भद्रवा से ही है। ये इनकी अपनी भद्रवाही शुरू होगी, शांसी शांसी शू शांसी, सो दैट किसी को समझ ना आए। इसलिए एक लैंग्वेज ऐसी आनी चाहिए जो किसी को भी समझ ना आए, जो सिर्फ अपनी नेटिव लैंग्वेज हो। हैप्पी बर्थडे का केक खरीदने के बाद अब हम जाएंगे पनीर सब मोमोज खाएंगे, वेजिटेरियन ऑनली क्योंकि सर आज चल रहे हैं। तने कह दिया, अरे यार तन को नहीं पता नहीं वेज स्टीम मोमो कोई ना। ओ यार ले टॉप पे फ्लेवर्स में आई है मोमो आई है नहीं, ये कुरकुरे कुरकुरे स्टीम और पिज्जा मोमोज हमने मंगाए और साथ में फ्राइड राइस मंगाया। अब हम ट्राई करेंगे कुरकुरे मोमोज।
इसका भी एक बाइट ट्राई करते हैं। तू क्या कर रहा है? हम्म, मिलते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली है पैकअप के लिए, मिर्ची लग जाए तो। सब कुछ खा के अब हम आकाश को भेजेंगे यहाँ से पैदल। पीछे मत पलट, पीछे मत पलट। यहाँ से इसको भेजेंगे हम पैदल, क्योंकि हम सबका एक म्यूचुअल डिसीजन है, पैदल भेजेंगे। सो दैट डाइजेस्ट बच्चों ने जो मेरे साथ किया उसका। अब हम निकलेंगे घर के लिए। स्वाद थे मोमोज यहाँ के यार, मतलब मैंने भी शायद पहली बार पिज़्ज़ा मोमोज खाए हैं। यहाँ पर जय चंडी माता एक और जय शीतला माता, दो माताओं का बड़ा अच्छे से पूजन किया जाता है। अभी चलते हैं आकाश को छोड़ने। आकाश को छोड़ के निकलेंगे घर के लिए। घर के लिए वही रास्ता जो मैंने आज आपको सुबह दिखाया है, या वो जो सुबह आते हुए आपको रास्ता बताया। क्या रास्ता यार वहाँ, क्या मतलब डर रहा है वहाँ पर जाते हुए। थोड़ा फ्लैश लाइट ऑन करके घर जाएंगे हम। तो मिलते हैं हम आपसे। ये लड़का गौर से देखे इस चेहरे को। गाड़ी से उतर के अब जा रहे हैं हम पैदल। ये फ्लैश लाइट, ये गोप्रो सामने। सांस चढ़ गई है, फूल गई है। कल हमसे क्या गलती हुई थी, मक्की सिर्फ 6 उतारी थी हमने, पर आज हम ज़्यादा उतारेंगे। ये थोड़ी बहस चल पड़ी है, नहीं नहीं नहीं, कौन कौन सा बैग उठाएगा। अब मैं समझ गया, मेरे कैलोरीज बंद कर दी। मैं चढ़ जाता हूँ पीठ पे। ये स्कॉर्पियन दिन देने कैसे पीछे से स्कॉर्पियो में हमें मिला, देखो डंक कैसे। इसलिए मना किया जाता है रात को यहाँ पे मत आए। देखो कैसे काट रहा है यार ये, आगे वो जोड़ेगा पीछे से पूंछ से अपना वो जहर डालेगा। देखो देखो पूंछ में इसकी जहर है। अच्छे गए हैं घर पे दादाजी। राम राम। मुँह धोने के बाद ये है अपनी सिंपल सी लुक। ये है हमारे शर्मा जी। हम नीचे जा रहे थे, मैं अभी आपने देखा दो बिच्छू दिखे, हालांकि मैंने एक ही कैप्चर किया और इतनी बड़ी मकड़ी दिखी है जिस बनाए मतलब। हैप्पी बर्थडे टू मी। मक्की खाने लगे। Happy birthday to me. रास्ते में लगा हुआ। जय श्री राम। जय श्री राम। से प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ गया इधर बड़ बड़ कितना बड़ा हो गया। देखो देखो ठीक है। दादाजी ये नहीं, दादाजी नहीं नहीं प्लीज यार, ये पकड़ना होता है और क्या। बच्चों के साथ बस यही होना चाहिए, उसमें दिखाते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद अब हम मुंह धोने जा रहे हैं। दादाजी ने शगुन भी दिया। लगाओ इधर, इनका चार्ज हो गया। अभी अभी हमने क्या किया है, डिनर करने के बाद थोड़ी दादू दादी से बातें कर रहे थे और दादू जी अपने किस्से सुना रहे हैं। अभी आपको दिखा,
ये 303, ये कौन सी बोली थी? कारतूस। ये है कारतूस 12 बोर। जो ये है इसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, पर जो दूसरी गन्स है जो इसमें डलती हैं अंग्रेजों के ज़माने की, गब्बर सिंह की, हिटलर के टाइम की, इसका पूरा हिसाब देना पड़ता है कितनी गोलियाँ कहाँ यूज़ हुई, क्योंकि ये बंदा मारने के काम आती हैं। ये 303, इस गन को रखने की सैलरी दी है 5,000 रुपये, पता है? ये सेफ्टी के लिए दी है, गांव की सेफ्टी, खुद की सेफ्टी, सेल्फ डिफेंस, विलेज डिफेंस, उन सब के डिफेंस के लिए ये शिकार करने के लिए, ये शिकार करने के लिए दी है, जैसे जंगली जानवर, मुर्गियां वगैरह कुछ भी आ जाए गांव में तो जंगली जानवर मैंने उसमें लाते हैं छटा, ये है तो ये उन सब के लिए मिली है। अब एक दोनों के साथ एक पोज होता है, ये मैं हम मतलब ये कितने आदमी थे रे, हां तो बड़े लोग और ये आज के लिए डेमो के लिए ये काफी है, ये आप भी ले सकते हैं 5,000 रुपये सैलरी लगेगी भरने में, जैसे इसकी शादी होगी तो।